मेरा नाम सुबोध शर्मा है। मैं बीजेपी का नाराज कार्यकर्ता रहा। इस बार मेरा मत नोटा को देने का है, क्योंकि मैं किसी भी प्रत्याशी से खुश नहीं हूँ। इस कारण बीजेपी के पार्षद, पूर्व पार्षद हरिकिशन गुप्ता जी, मैं शारदारोड़ पर अपने रिलेटिव को छोड़ने गया था। उन्होंने और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुझसे अभद्रता की इस विषय पे कि तुम नोटा की बजाय बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हो और बीजेपी को वोट दो, जबरन मुझसे प्रेरित किया गया। मुझे मारने की, वहाँ मारपीट करने की मेरे साथ कोशिश भी की गई। उसके बाद मैं अपने घर पर आया, बाद में मेरे पास फ़ोन आया जिसमें राजीव गुप्ता उफ काले बोल रहे थे। मैं नहाने जा रहा था, मैंने वो काटने के बाद अपने दूसरे मोबाइल से उन्हें फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने मुझे मारपीट करने की और मेरे मुंह में पेशाब करने की और फेसबुक व्हाट्सअप चलाने की कि तुझे फेसबुक व्हाट्सअप चलाना सिखा दूंगा, यह धमकी दी। और मैं इस कंडीशन से इतना दुखी हो चुका हूँ कि मैं 4 तारीख से, आज 9 तारीख हो गई, मैं अपनी क्लिनिक भी नहीं खोल पा रहा हूँ डर की वजह से, क्योंकि वह मुझे धमका रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी मुझे धमकी देते हैं कि तुझे बंद करा देंगे, किसी और मुकदमे में बंद करा देंगे, और मैं यूँ परेशान हूँ क्योंकि मैं एक गरीब हिंदू हूँ। मैं कोई जाति पे नहीं कहूँगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की है तो हिंदुओं का ही शोषण ये नेता क्यों कर रहे हैं? अगर ये हिंदुओं का शोषण करेंगे तो किस लिए अपने आप को ये हिंदुवादी या किसी चीज़ से जोड़ते हैं? अच्छा, आपने इसकी शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत DM, SSP के यहाँ और लोकल में थाने पर भी गया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई मेरे पास से हुई नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि शायद सांसद जी ने शहर के अंदर कुछ भी नहीं किया है, मैं ही नहीं, और शहर के अंदर सभी इसका विरोध कर रहे हैं। खुद भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, संघ के भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ही हूँ, मेरे ही खिलाफ़ मुकदमा है, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की जाए, मुझे धमकाने की कोशिश की जाए। मैं स्वतंत्र हूँ। अगर सरकार ने नोटा का ऑप्शन दिया है तो नोटा के लिए इतना विरोध क्यों? खाली बीजेपी ही क्यों लोगों को मारपीट करने की धमकी दे रही है? और पार्टियाँ तो नहीं कर रही हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप में दबंग साबित करना चाहते हैं। शासन प्रशासन दोनों ही बात करता है। शासन प्रशासन दोनों ही, इंसाफ मिल पाएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन लोगों की दबंग ही है। और अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मेरे 2 छोटी बच्ची हैं, 1 83 साल के बुजुर्ग पिता हैं जो बीमार हैं, और मैं किराए पर रहता हूँ। अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ मैं आत्मदाह करने की इच्छा रखता हूँ अगर न्याय नहीं मिला। कौन है वो दबंग लोग जो दबंग दे रहे हैं? क्या पद उनका विजय है? भारतीय जनता पार्टी में वार्ड 39 से राजीव गुप्ता पार्षद हैं जो धमकी दे रहे हैं, और उनके पूर्व पार्षद हरिकिशन गुप्ता जी भी उनका सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। और कोई भी, बहुत सारे बड़े बड़े इनके लीडरों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, मगर किसी ने भी अब तक मेरी परेशानी सुनने के बाद यह नहीं कहा कि इनके पार्षद की गलती है। सब उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग लूँ। गलत वो बोल रहे हैं, माफ़ी मैं मांगूँ? जबरन मैं ये चाहता हूँ बस मुझे न्याय मिले। मैं इससे लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, मगर ये मेरे खिलाफ़ इतनी गलत उपयोग कर रहा है तो ये क्यों ऐसा कर रहा है? कहीं ना कहीं इसे पीछे से सपोर्ट है, क्या है? या आम जनता अपने आप में एक बेकार है?